हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सलेंस नॉलेज पॉइंट में। तो आइए आपका पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 हम आपको करवा देते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है और उसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या जिसे कहते हैं, इन द गिवन ग्राफ। ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में कितने शून्य होंगे इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल्स जब दिया होता है तो उससे जो हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में वो जो भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होता है वो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। उसमें आपका जो ये ग्राफ है, पॉलिनोमियल्स का ग्राफ खींचा जाता है, वो एक्स एक्स को जब जब भी टच करेगा या काटेगा वो उतने ही उसके शून्य होते हैं। अगर ये ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्स को काटता नहीं है तो उसके शून्यकों की संख्या जीरो होती है। अगर एक बार काटता है तो दो शून्य होंगे, एक बार काटता है तो एक शून्य होगा, दो बार कट करता है तो दो शून्य होंगे, तीन बार कट करता है तो तीन शून्य होंगे। आइए देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में देखिए, दिया गया है एक ग्राफ। इस ग्राफ में जो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है वह एक्स एक्स को कहीं काटता नहीं है, देख रहे हैं, केवल वाई एक्स को काटता है। तो इसकी शून्यकों के जीरो जो होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में आपका ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्स को भी एक जगह केवल काटता है, ये यहां पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की या नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन, ठीक है, और कहीं नहीं काट रहा। इस तरह थर्ड में आ जाइए, आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वन टू और थ्री, थ्री टाइप कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या थ्री होगी, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, थ्री होंगे। अगली प्रॉब्लम है, आपको देख रहे हैं आप ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्स को वन और यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसके भी शून्यकों की संख्या क्या होगी, टू हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टू पॉइंट पर कट कर रहा है। अगली प्रॉब्लम में देखिए, आपका यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, देख रहे हैं ये ग्राफ ये हो गया, ये ऐसे आया, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट, तो कितनी जगह कट कर रहा है इसका आप देख सकते हैं। देखिए काउंट करिए, वन टू थ्री एंड फोर, फोर टाइम्स को कट कर रहा है एक्सिस को, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, फोर होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ दिया गया है, देखिए ये कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ कट्स हैं, वन टू थ्री, तो वन टू थ्री कट्स हैं, तो यहाँ पर जो जीरोस की संख्या होगी यानी शून्यकों की संख्या होगी वो थ्री होगी। तो ये आपका 2.1 ईपी बोर्ड का केवल एक ही प्रॉब्लम में इतना दिया गया है, ये आपको बता दिया गया है। तो इससे आप स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 है। इसके पहले मैं आप लोगों को जीरोज के बारे में बता दिया है कि जीरोज जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स का वन जीरो होता है, जीरोज होते हैं, एक शून्य होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरो होते हैं, दो जीरोज होते हैं, दो शून्य होते हैं। इस तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्री जीरोज होंगे, बाई क्वाड्रेटिक का फोर जीरोज होगा। तो अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यू नो दैट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन, तो एफ एक्स इक्वल टू टी एक्स प्लस फोर, फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो फाइंड करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, हम लोग जीरो रख लेते हैं, यहाँ पर जीरो रख करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की जो वैल्यू होती है वही इसकी जीरो होता है, तो जीरो, तो टू एक्स प्लस फोर इजिकल टू जीरो, टू एक्स इजिकल टू माइनस फोर, इसको इस लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं किसी भी टर्म्स को, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो टू एक्स इजिकल टू माइनस फोर हो गया, और एक्स इजिकल टू, अब इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस फोर डिवाइड बाई टू इजिकल टू माइनस टू, तो जीरो जो पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फोर इज माइनस टू। अब देखिए इसका जीरो टू आ गया, अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, पुट करके देख सकते हैं
यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस 2 मल्टीपल 2 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह अब इसका जीरोज हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दिया हो तो आप एफ एक्स को जीरो पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या दोघात बहुपद होता है तो हम उसका शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम करते क्या हैं, जब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होता है तो इसको हम एफ एक्स इक्वल टू पॉलीनोमियल को रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। सपोज करिए आप दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग अब पहले ही बताया जा चुका है कि हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके गुणांक को और इसके गुणांक को, यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी के रूप का होता है। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या है 1 और सी इज इक्वल टू क्या है माइनस 8। तो अब हम इसका पहले 1 मल्टीपल माइनस 8 करते हैं तो आया माइनस 8। अब नेक्स्ट जो ये बी होता है, बी को हम इस तरह तोड़ते हैं कि इसकी जो जो साम हो, इसका जो एडिशन हो वो तो माइनस 2 हो एक्स आए, लेकिन जो उसका जो फैक्टर बने जो दो पार्ट में तोड़े हैं उनका मल्टीपल माइनस 8 आए। तो देखिए जब भी आप 2 को करेंगे आप 2 माइनस 2x है, माइनस 2x को अगर माइनस 2x प्लस 2x लिखे तो माइनस 2x से 2x ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस ग्रेटर है। और माइनस 2 का माइनस माइनस 2 का प्लस 2 में मल्टीपल करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, फुलफिल कंडीशन को कर रहा है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x सॉरी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ पर देखिए 2x और 8 है तो यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर x माइनस उसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा एक्स माइनस 4। अब देखिए x माइनस 4 ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर ले आए, अब यहाँ बचा x और प्लस ये आपके फैक्टर हो गया। अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, शून्य ज्ञात फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स जीरो होना चाहिए, तो हम एफ एक्स को जीरो इक्वल रख देते हैं। तो चलिए एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कोई ना कोई जीरो होगा तभी इसका मल्टीपल जीरो आएगा, तभी एफ एक्स जीरो होगा, इसलिए हम लोग इसके इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए वो उसको इधर ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर एक्स को इधर है और 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2। इस तरह जो एक्स की वैल्यू आ गई, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं, एक्स की जो दो वैल्यूज आ गई ये इनके जीरोज होंगे, तो जीरोज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू माइनस 2 रख लेते हैं और बीटा इक्वल टू 4। अब ये दो जीरोज आ गए। अब इसको टेस्ट करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने एक रिलेशन आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अगर जीरोज अल्फा बीटा दिए गए हों तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशियंट होता है एंड डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है जो गुणांक होता है वो होता है। तो चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए में हम रख कर देखते हैं कि क्या ये रिलेशन करेक्ट है आप नहीं और नॉट। देखिए तो अब अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से माइनस टू रख दिया प्लस 4 बीटा की वैल्यू। अब देखिए 4 में माइनस 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। अब इसका रिलेशन माइनस बी बाई ए में रख के देखिए इसकी वैल्यू। अब देखिए वी की वैल्यू अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या है माइनस 2 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस टू रख दिया डिवाइड बाई 1। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा डिवाइड 1 से करने से 2 आएगा 2। अब देखिए आप इनके जीरोज को ऐड करते हैं, शून्य को ऐड करते हैं तो भी 2 आ रहा है और इस तरह
माइनस वी वाई से फाइंड आउट कर रहे हैं तभी टू आ रहा था, वेरीफाई हो गया। इस तरह अब शून्यकों के गुणनफल, ओके, जो गुणनफल होते हैं प्रोडक्ट होते हैं वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू, बीटा इज इक्वल टू फोर, और सी, सी का वैल्यू अगर आप यहाँ से कंपेयर करें देखें माइनस एट है, तो माइनस एट बाई ए इज इक्वल टू वन है, और माइनस टू फोर मल्टी करेंगे माइनस एट, ये देखिए आया माइनस एट। इस तरह आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आ रहा है, तो ये रिलेशन वेरीफाइड है, दिस हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, ये यहाँ पर वेरिएबल एस है। चलिए अब सपोज एफ एक्स इक्वल टू फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, अब क्या करना है हमें, इसको फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो हमने बताया कि वही रूल हम लोग देखते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में कि ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फोर वन जा फोर आएगा। अब ये फोर है, फोर को ऐसा फैक्टर करना है कि उसका एडिशन तो माइनस फोर आए लेकिन मल्टीपल प्लस फोर आए, तो चलिए माइनस टू माइनस टू, देखिए फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस, ठीक है, माइनस टू एस फाइव करेंगे माइनस फोर एस होगा, और माइनस टू और माइनस टू का मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, रिजल्ट फुलफिल हो गए, तो प्लस। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, टू हो सकता है और एस, टू एस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, टू एस माइनस वन, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, फिर माइनस वन यहाँ कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिए थे प्लस हो जाएगा, टू एस माइनस ये प्लस होते माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन कॉमन है तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो टू एस माइनस वन बाहर ले लिया, अब यहाँ क्या बचा, टू एस माइनस वन, देखिए दोनों दोनों ही फैक्टर सेम आ, तो फॉर जीरो शून्यकों के लिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो आप ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ इसके जीरो हो जाएगी, यानी इसके इक्वल टू जीरो होगा, तो ये जीरो होगा या ये जीरो हो, तो टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, आठ टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू एस इक्वल टू इधर जाएगा तो वन हो जाएगा, एस इक्वल टू वन बाई टू इधर आए तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये क्या आ गया वन बाई टू। दूसरा भी इसी तरह एस इज इक्वल टू वन बाई टू, ये बीटा हो गया, तो इसके दो मूल आ गए आपके, या दो सॉरी दो शून्य आ गए, दो जीरो, अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू एंड बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशियंट ऑफ एस एंड एस स्क्वायर। चलिए हम लोग यानी वी नो दैट द सम ऑफ द जीरोस रियल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मालूम है। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू और बीटा इज इक्वल टू बी वन बाई टू है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए वन बाई और माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे ए इज इक्वल टू क्या है फोर है, बी इज इक्वल टू क्या है माइनस फोर है, और सी इज इक्वल टू क्या है वन है। अगर आप कंपेयर करें तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दीजिए क्या है माइनस बी, माइनस बी तो बी इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस फिर माइनस फोर डिवाइड बाई फोर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फोर से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये वन वन टू हो जाएगा बाई टू हो जाएगा, टू के टू डिवाइड करेंगे वन वन, देखिए दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, पहले ही बता चुके हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू वन बाई टू, बीटा की वैल्यू वन बाई टू इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू फोर रख दिया, देखा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आएगा वन बाई फोर इज वन बाई फोर, हैं द रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरह ये रिलेशन वेरीफाई हो गया और